हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? अब हम पार्ट नंबर 3 हमने पहले पढ़ा था, आज हम एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये है पार्ट नंबर 3, गाजर का हलवा। पार्ट नंबर 3, गाजर का हलवा। ये आ की मात्रा पे है, इसमें आ की मात्रा के बारे में हमें समझाया गया है। तो बच्चों, आपने ध्यान से देखना है कौन से शब्द पे, कौन से अक्षर पे आ की मात्रा लगी हुई है। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। माधव आया, माधव आया, लाल लाल गाजर लाया। आप सबने बच्चों साथ साथ में बोलना है और अपनी फिंगर शब्द पर रखनी है। गाजर का हलवा बनवाया, हलवा खाकर मन बहलाया। गाजर लाल, टमाटर लाल, खाकर राधा बन जा लाल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तबला बजा, दादा बाहर टहलकर आए, राजन उनका छाता पकड़। चाय जाकर चाय बना, राजन चाय बना लाया। सागर वह तबला ला, अब तबला बजा। समझ आया बच्चों? आगे पढ़ते हैं। माधव चाय का कप पकड़ा, पापा बाजार गए, टमाटर गाजर साग लाए। टमाटर काट सलाद बना, राघव गाजर ला। माला वह हरा साग पका, दादा आओ सलाद खाओ। समझ आ गया बच्चों? ये पेज नंबर 17 आपने दोबारा से पढ़ना है। अब हम पेज नंबर 18 करेंगे। पेज नंबर 18 पे हमने ये दो प्रश्न किए थे, उच्चारण करो और अंतर समझो। ये हमने पढ़ना है और इनमें अंतर समझना है। जैसे ये कम है और ये काम, मतलब ये कम, इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, और ये है काम, इस पे क पे आ की मात्रा लगी हुई है। कम काम, ठीक है। कटना काटना, देखो बच्चों, आ की मात्रा लगने से ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये सारे आपने पढ़ने हैं। तल ताल, बनना बनाना, कला काला, पलक पालक। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इसमें भी हमने शब्द को पूरा करना है। जैसे इन्होंने ला लिखा हुआ है, इस फोटो को देख के हमने इस शब्द को पूरा करना है। जैसे ल, ये रंग कौन सा है? काला। तो यहाँ पे ला के आगे हम क्या लिख देंगे? का। तो ये क्या बन जाएगा? काला। ऐसे ही बच्चों, आपने ये पूरा अपनी पेंसिल के साथ अपनी बुक में लिख के साफ सफाई से करना है। ये जैसे लाल, ये लाल रंग है, तो ये इस लाल के नीचे ल लिख देंगे तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा? लाल। जैसे हमने पहले भी किया है, ये ऐसे ही आपने अपनी बुक में करना है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे ये हाथ है, तो ये पूरा वर्ड क्या बन जाएगा? इसके पीछे थ लिख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा हाथ। ये हार है, तो यहाँ र लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा? हार। ये आ रहा है और ये जा रहा है, आना जाना। जैसे ये आ रहा है, तो ये ना लिखा हुआ है, ना के आगे आ लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आना। ठीक है बच्चों, ये जा रहा है तो ना के ऊपर जा लिख देंगे तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा? जाना। समझ आ गया बच्चों? ऐसे ही आपने ये करना है, ये पूरा शब्द जाता बन जाएगा और ये पूरा शब्द तारा बन जाएगा। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। ये नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हमने सिर्फ एक शब्द में ही देना है। बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क, बाहर टहलकर कौन
आया। बताओ बच्चों, हमने दो बार पाठ पढ़ चुके हैं हम। बाहर टहल कर कौन आया था? दादाजी। कौन टहल कर आया था बाहर? दादाजी। तो इस खाली स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दादा जी। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये अपनी बुक में आपने साथ साथ लिखना है, बाहर टहल कर कौन आया? दादाजी। समझ आ गया बच्चों? अब आगे करते हैं ख। इस प्रश्न में हमें क्या पूछा है? राजन क्या बनाकर लाया? क्या बनाकर लाया था राजन? चाय। हम इस वाली खाली स्थान पर क्या लिख देंगे? चाय। तो राजन क्या बनाकर लाया था? चाय। समझ आया बच्चों? अब हम ग पार्ट करेंगे। इस पे लिखा हुआ है बाजार कौन गया? बाजार कौन गया था? पापा। यहाँ क्या लिख देंगे? पापा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। टमाटर काट कर क्या बनाया? टमाटर काट कर क्या बनाया था? हमने पाठ पढ़ा है, क्या बनाया था बच्चों? सलाद। टमाटर काट कर क्या बनाया था? सलाद। तो इस खाली स्थान पर हम क्या लिख देंगे? सलाद। समझ आ गए बच्चों? ये चारों प्रश्न के उत्तर आपने इस खाली स्थान पर लिखने हैं और ये आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अब हम करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4। खाली स्थान भरो। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। इस बॉक्स में आपको इस खाली स्थान में जो सही शब्द है वो इसमें से छांटकर यहाँ पर इन खाली स्थानों में लिखने हैं। सबसे पहले है डैश आया, माधव आया। हमने अपने बुक में पहले पढ़ा है माधव आया, माधव आया। तो ये वाला माधव कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले खालिस्तान में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माधव आया, माधव आया। आगे बढ़ते हैं। लाल 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 क्या लेके आया था बच्चों? वो गाजर। तो ये गाजर कहाँ पे लिख देंगे? इस खाली स्थान पे। तो लाल लाल क्या लाया? वो गाजर। ठीक है बच्चों, गाजर का डैश बनवाया। क्या बनवाया था? गाजर का हलवा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हलवा। आगे हलवा खाकर मन एक रह गया। तो ये किस में आ जाएगा? यहाँ पे ये क्या है? बहलाया। हलवा खाकर मन बहलाया। समझ आ गया बच्चों? ये मैंने पहले ही पेंसिल से फील कर रखे थे, तो ऐसे ही आपने भी अपनी बुक में अच्छे से अपनी कॉपी में ये खालिस्तान बुक में भरने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है। इसमें देखो हमें क्या बताया गया है? चित्र देखो और शब्द लिखो। हमने इन्होंने खाली स्थान दे रखा है, वहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है। इस पिक्चर को देखकर हमने यहाँ पे उसका खाली स्थान भरना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। 4 बच्चों, ये अब देखो फोटो, ये किसकी है? ये चित्र किसका है? आम का। तो इस वाले खाली स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आम। यहाँ पे क्या लिख देंगे? आम। 4 आम छांट कर लाओ। समझ आ गया बच्चों? आगे देखो 8, ये किसकी फोटो है? अनार की। किसकी फोटो है ये? अनार की। अनार है की फोटो है ये। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अनार। अनार काट कर दो। बच्चों ये मैंने पहले पेंसिल से लिख रखे हैं, आपने भी ये ऐसे ही लिखने हैं। अब आगे देखो, ये चित्र किसका है? ये फोटो किसकी है? यहाँ पे घर की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? घर। पर ये क्या है? ताला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ताला लगाकर बाहर जाओ। तो बच्चों हमने ये खाली स्थान भर दिए हैं। अब हम एक बार दोबारा से ये लाइन को पढ़ते हैं। 4 आम छांट कर लाओ, 8 अनार काट कर दो। ठीक है, घर पर ताला लगाकर बाहर जाओ। समझ आ गया बच्चों?
आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, पढ़ो और लिखो। इनको पढ़ना है और हमने लिखना है। ये पहले लिखा हुआ है कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कपड़ा पहनना, ठीक है, कपड़ा पहनना। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, कपड़ा पहनना, ठीक है। इसके नीचे जो खाली स्थान है वहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यही जो ऊपर लिखा है कपड़ा पहनना। आगे है बाल कटवाना, तो यही नीचे भी हम क्या लिख देंगे, बाल कटवाना। आगे है खाना बनाना, तो यहाँ भी नीचे क्या लिख देंगे, खाना बनाना, ठीक है बच्चों। अब आगे ये देखो प्रश्न नंबर 7 में लिखा हुआ है, लाल बिंदुओं को जोड़िए और नाव का चित्र पूरा कीजिए। ये कह रहे हैं जो इस बॉक्स में जो लाल लाल डॉट दे रखे हैं ना बच्चों, आपने इन सब को मिलाना है और नाव का चित्र बन जाएगा। जैसे ये लाल डॉट, ये रेड डॉट है, इसको हमने ऐसे ऐसे करके मिला देना है, और ये मैं जैसे ये मैंने पेंसिल से बना रखा है तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे नाव का चित्र तैयार हो जाएगा, समझ आ गया। अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 20। अब हम करेंगे पेज नंबर 20। देखो बच्चों पेज नंबर 20 पे क्या लिखा हुआ है, स्वर ई। क्या है ये, छोटी ई। कौन सी ई है बच्चों, ये छोटी ई, छोटी ई की, छोटी ई से इमली, छोटी ई से क्या होता है, इमली। पढ़ा है ना बच्चों आपने, आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है, छोटी ई से इमली। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो कैसे लगती है, किसी भी वर्ड के आगे। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, ये वाली, किसी भी वर्ड के आगे जो लगती है, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा। समझ आ गया बच्चों, हमने ये आप UKG क्लास में भी पढ़ा है आपने, छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द अक्षर के आगे लगती है। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है, किसी भी अक्षर के आगे लगती है। जैसे ये क, ये क्या है, किसकी फोटो है, ये किताब की। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, क पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो ये क्या बन जाएगा, कि ता ब। तो ये क्या बन जाएगा, छोटी ई की मात्रा की जो आवाज़ है वो बहुत छोटी सी आती है, कि खि गि ऐसे, ठीक है बच्चों। जैसे ये आगे है चिमटा, क्या है ये, चिमटा। आगे किसान, आगे क्या है, किसान। चिड़िया, छोटी ई की आवाज़ बहुत छोटी सी ई की आवाज़ आती है, कि खी। समझ आ गया बच्चों, आगे हम इनको पढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो और समझो। ये है क, क को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, ये कि। म को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो मी। फ को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो फी। र को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो री। ग को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो गी। ध को छोटी ई की मात्रा लगाई तो धी। स को छोटी ई की मात्रा लगाई तो सी। न को छोटी ई की मात्रा लगाई तो नी। समझ आया बच्चों, आगे ये देखो नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हम इनको पढ़ते हैं और आपने भी साथ साथ अपनी फिंगर को शब्द पे रखना है और पढ़ना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ल पे छोटी की मात्रा क्या बन जाएगा, ये लि ख, क्या बन जाएगा, ये लि ख। सी र, बी ल, गी न, दी न, ही ला, की ला, ची ला, गी ला, सी
या। ठीक है, समझ आया बच्चों? अब हम ये दो शब्द, दो अक्षर वाले शब्द थे और ये है तीन अक्षर वाले शब्द। अब तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं। किधर, जिधर, किरण, हिरण, टिकट, मिठाई, सितार, शिकार, चिमटा, विचार। ठीक है बच्चों, अब हम चार शब्द वाले शब्द पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले देखते हैं। किशमिश, क्या बन जाएगा ये? किशमिश, बनियान, साइकिल, झिलमिल, रिम झिम। ठीक है बच्चों, ये शब्द आपने बार बार पढ़ने हैं। जब जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ई की मात्रा को हम कैसे बोलते हैं और कौन से शब्द पर ई की मात्रा आती है। आगे ये हमने लिखा हुआ है, बोल 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 कर लिखो। टी की या, क्या है ये? ट पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। फिर क है, तो क पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। क्या बन जाएगा ये? टी की या। आगे क्या है? या, क्या बन गया ये? टिक की या। यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं। ट पे कौन सी ई की मात्रा? छोटी ई की। फिर क पे छोटी ई की मात्रा, टिक की या। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? या। क्या बन जाएगा ये? किया। ठीक है, ऐसे ही आपने आगे लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है रिम झिम, तो यहाँ पे भी इस खाली स्थान पर आप क्या लिख दोगे? रिम झिम। ठीक है बच्चों, आपने ये छोटी पेज नंबर 20 पे छोटी ई की मात्रा को अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है कि छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगती है। छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द के आगे लगती है और इसकी जो आवाज़ है वो बहुत छोटी सी आती है, जैसे कि खि घी घी। ठीक है, ये बच्चों आपने दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। अब आपने कॉपी पे क्या करना है ये देखो। आपने अपनी कॉपी में सबसे पहले वही आज की तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है 15 जुलाई 2020 और आज का दिन है बुधवार। ठीक है, हमने आज करने हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख किसके किसके करने हैं हमने? कौन सी मात्रा के? आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा के। ठीक है, ये आपने लिखने हैं 20। हमने श्रुतलेख दिए हैं आपको, ये 20 आपने कॉपी पे लिखने हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ कैसे कैसे। ये है तालाब, फर्स्ट क्या है? तालाब। फिर है एक तारा, आगे है आसमान, आगे है शरारत, अनार। ठीक है बच्चों, आगे है हवादार, साधारण, कलाकार, महानायक, अखबार। ठीक है बच्चों, ये तो जो श्रुतलेख हैं वो कौन से हैं? आ की मात्रा के। अब हम करेंगे छोटी ई की मात्रा के श्रुतलेख। ये है बिल, क्या है ये? बिल। ये है सिर, हिला, किधर, आगे है हिरण, सिलाई, शिकार, विचार, आगे है टिकिया, तिनिका। समझ आ गया बच्चों? ये आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से और साफ सफाई से सुंदर राइटिंग में लिखना है और जो शब्द और ये अक्षर है इनको आपने बनाकर अच्छे से शेप में लिखना है। ठीक है बच्चों, जब भी आप अपने जूम ऐप
खोलते हो तो आपने वीडियो अपनी ऑन करके रखनी है, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पाकर कैमरा के सामने बैठना है और अपनी बुक में ध्यान से देखना है। अपने घर पर ही रहना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।